हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल ट्रैवलिंग एजे में और दीव सीरीज की न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था दीव फोर्ट और अभी हम जा रहे हैं दीव की एक दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, अभी हम विजिट करने आए हैं सेंट पॉल चर्च। दीव फोर्ट से सेंट पॉल चर्च का डिस्टेंस है 500 मीटर और आप 3 से 4 मिनट में आराम से पहुंच सकते हैं। सेंट पॉल चर्च दीव में आए हुए 3 चर्चों में से एक चर्च है और ये एक अकेला ऐसा चर्च है जहां आज की डेट में भी रेगुलर प्रे होती है। और दो दूसरे जो चर्च है उनमें से एक को म्यूजियम बना दिया गया है और एक को हॉस्पिटल बना दिया गया है। ये चर्च का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1601 में और कंप्लीट हुआ था 1610 में। आपको अंदर से दिखाता हूँ और इसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ देता हूँ। चर्च का इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। और यहाँ के वुडवर्क के पैनल बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही स्पेशियल हैं। और ये सेंट पॉल चर्च 400 साल पुराना चर्च है। गॉथिक वास्तुकला की इन इमारत को पुर्तगालियों ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर हमारी। तो यह था सेंट पॉल चर्च। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं दीव म्यूजियम के सामने। फिलहाल यहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। आपको थोड़े बाहर से यहां के सीन दिखा देता हूं। सेंट पॉल चर्च से दीव म्यूजियम का डिस्टेंस है 400 मीटर और आप आराम से 2-3 मिनट में पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि दो चर्च में से एक को म्यूजियम बनाया है और एक को हॉस्पिटल, तो ये वाले चर्च को म्यूजियम बना दिया गया है। म्यूजियम के सामने ही इस तरफ एक पार्क है छोटा सा, तो पार्क में थोड़ा सा टहलते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं जलंधर बीच की ओर। तो दीव का एक दूसरा बीच है जलंधर बीच, वहाँ पर हम जाएंगे। तो चलिए अभी ये थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं। और दीव आप आते हैं तो मिनिमम 2 दिन तो रखिए ही, क्योंकि 2 दिन में आप दीव के सभी टूरिस्ट अट्रैक्शन कवर कर सकते हैं। तो अभी म्यूज़ियम तो बंद था, तो अभी चलो आगे की ओर चलते हैं। अगर आप आइए कभी दीव
तो शायद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी चलते हैं जलंधर बीच की ओर। तो फ्रेंड्स, दीव म्यूज़ियम से जलंधर बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और आप 4 से 5 मिनट में आराम से पहुंच सकते हैं। अभी हम जलंधर बीच की ओर जा रहे थे तो रास्ते में ये चर्च मिला, पर ये पता नहीं है, चर्च तो बंद है और इसका नाम क्या है वो भी मुझे नहीं पता और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स, बाद में मैंने पढ़ा कहीं पर कि ये वही चर्च है जो ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं जलंधर बीच पॉइंट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है जलंधर बीच। अभी बीच का पानी बहुत ही बढ़ गया है, अभी हाई टाइड हुई है, हाई टाइड की वजह से बीच का पानी आगे आ गया है। किसी को भी यहाँ पर नहाने का रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बीच पूरा पथरीला बीच है। आप देख सकते हैं पूरा पत्थर पत्थर इधर दिख रहा है और यहाँ का जो वेव है वो भी बहुत ही खतरनाक है। और अभी हम चलते हैं वहाँ ऊपर और ऊपर चल के आपको थोड़ा से व्यू दिखाते हैं और ऊपर क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए, यह है जलंधर बीच। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा किनारा पथरीला है, तो यहाँ पर स्विमिंग तो अलाउड नहीं ही होगी क्योंकि यहाँ पर जो ये बीच का पानी है वो भी हाई प्रेशर से आपके सामने आएगा। और अभी हम ऊपर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर एक ऐसा गार्डन सा बनाया हुआ है और बीच का व्यू पॉइंट कह सकते हैं, शायद इसे जलंधर सनसेट पॉइंट कहते हैं यहाँ के लोग, शायद मैंने अभी उधर बोर्ड में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये टेम्पल के पास आए थे लेकिन टेम्पल बंद है और अभी वहाँ ऊपर जाते हैं। अभी मैं उस वहाँ पर टेम्पल के पास वहाँ पर खड़ा था और जब लहरें ज़ोर से टकराई ना ये चट्टानों में, तो एक ऐसा आवाज़ आया कि मैं खुद हिल गया। और वहाँ पर सब हमारी एक्टिवा वहाँ पर रखी है, अच्छा बनाया है गार्डन। वैसे तो दीव आप कभी भी आ सकते हैं लेकिन आप जब मॉनसून में आएंगे तो बहुत ही हरियाली आपको मिलेगी और एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा और ब्यूटीफुल होता है। और अभी हम एक व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। चले जाओ, बीच का व्यू तो अच्छा ही मिलने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। जहाँ से भी मैं जा रहा हूँ देख रहे हैं वहाँ से भी अच्छा ही अच्छा व्यू आता है। और यहाँ पर यह छोटा सा महादेव का मंदिर है। तो फ्रेंड्स, दीव में आते हो तो जलंधर बीच आना बनता है। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर सब जगह से। और अभी हम 5-10 मिनट यहाँ पर बैठेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे आगे की ओर
आगे भी कुछ और भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो हेरिटेज वॉल है शायद यहाँ पर, हेरिटेज वॉल बोलते हैं कि हेरिटेज वॉक बोलते हैं, वो मैं आपको आगे जाके दूँगा। तो चलिए अभी यहाँ से उतरते हैं और नीचे फोरक। यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ बनाया हुआ है। यस, सनसेट पॉइंट है यहाँ का। तो चलिए अभी यहाँ तक आए हैं तो भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, अभी चलते हैं वहाँ पर। वहाँ पर शायद कुछ है, मुझे पता नहीं है, तो देखते हैं वहाँ जाके कि क्या है। तो फ्रेंड्स, ये था जलंधर बीच और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, क्योंकि अभी बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी मैं आगे भी एक दो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ जाने वाला हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। गुड बाय।